राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। 6:32 पर बिस्तरा छोड़ दिया, फ्रेश हो गया, चाय पी ली है और सब्जी भी चढ़ा दी है। आज बहुत सारे काम हैं और अगर वो पूर्ण होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बताएंगे आपको कौन कौन से काम हुए और कौन से नहीं हुए। आलू छोले उछल रहे हैं। अभी जा रहा हूँ चमकला अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाने के लिए, और यदि वो चेंज हो गया मीन्स मुझे अगर शिप मिल गई तो उसके बाद जाऊँगा मंगरू, वहाँ कृषि विभाग का गोडाउन है, वहाँ से लूँगा खेती बाड़ी के कुछ टूल्स। अब पहुँचने वाला हूँ चमकला, पहुँच गया हूँ चमकला CSC। यहाँ पर पहला काम यहाँ पर है और जिनसे काम है वो यहाँ दुकान पे हैं और दूसरे घर पे नहीं है। तो हो ही है वही जो राम रच रखा। अब घर के बुद्धू घर को वापस लौट के जाएंगे। ये है उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या, लंगूर, बंदर, सूअर खेती नहीं करने देते हैं। ये इसके बारे में कौन सोचेगा। गांव खाली हैं पलायन की वजह से, अब दिन भर यही काम रह गया है अपना काम छोड़कर बंदरों को भगाना, लंगूरों को भगाना और रात को सूअरों का खेत को खराब कर देना। इनके पीछे ही भागम भाग भागम भाग। पूरा पेड़ भरा हुआ है लंगूरों से। आज यहाँ पे दुकान सजाई हुई है, दालों को नमक को सुखाया जा रहा है, रजाई कपड़े गत्ते सब। और बैठा हुआ हूँ रखवाली के लिए, आना शुरू हो गए हैं। कौन कहाँ से आके झपट्टा मार जाएगा, दुकान खराब कर देगा, पता नहीं है। साथ में बैठे हैं बूबू जी। जिंदगी को हमारी बंदर भगाने वाले बना दिया गया है। शाम 5:10 हुए हैं और मौसम बदल गया है। दूर तक आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शरीर में सुई जैसी चुभा रही है। नहा धो लिया है, पूजा पाठ कर लिया है, नाश्ता कर लिया है और एक छोटा सा संदेश देने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा हूँ। जब सुनसान में पहुँचूँगा तब बात करूँगा, क्योंकि गांव के अंदर अपने टोक देते हैं और जो कहना चाहता हूँ वो भूल जाता हूँ। मित्रों, अब जो बात कहने जा रहा हूँ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और 100% सही बात कहने वाला हूँ। रिस्पेक्ट दो प्रकार की होती है, एक जो सामने वाला देता है और एक जो मांग के ली जाती है। रिस्पेक्ट एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। यदि हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो बाहर से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हाँ, जिन्हें झूठी इज्जत चाहिए तो बात अलग है। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्ममंथन करके ही मिलता है, क्योंकि उसमें हम खुद को तोलते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हम अपने कर्मों को तोलते हैं। हर चीज़ तोलने के बाद हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हम खुद कैसे हैं। यदि हमें लगा कि बाबा सादगी को लगा कि उससे बेकार आदमी कोई नहीं है, तो यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है
तो उस व्यक्ति को बाहर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे होंगे। हाँ, यदि बाबा सादगी को किसी से स्वार्थ है और बाबा सादगी जानता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है, तो बाबा सादगी उसकी खुशामद के लिए, चापलूसी के लिए उसकी बड़ाई करेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और दिखाएगा कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई और दूसरा नहीं है। आत्ममंथन, सेल्फ इवेलुएशन, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हर चीज़ बेमानी है। हाँ, जिसका पैसा दीन ईमान पैसा है तो बात अलग है, और जिसको सही में रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे सेल्फ इवेलुएशन करना। अभी हम जा रहे हैं मंगरू, और ये है हमारे गांव की पहली सड़क। और ये है मंगरू गांव की मार्केट, वो हमारे पंडित जी का महल है। वो गुरुदेव पहला और नीचे है मंगरू गांव, हमारे बिरादर हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने गांव की ओर चमकला होते हुए। 4 बज चुके हैं और ठंडी हवा ने जो है कान गर्म करने शुरू कर दिए हैं। कल सुबह 4 डिग्री टेम्परेचर, 6 बजे सुबह, 6 बजे शीतलहर ऐसी थी। पहुंच गए हैं चमकला, चूरी कोट है। 5:55 हो चुके हैं और गांव का ये दृश्य है। ठंडी हवा सुई जैसी चुभ रही है। पहाड़ों का मौसम, वो भी ठंड का, अब महसूस होने लगा है। मित्रों, 7 बजे राधे राधे कर दिया है और घुस गया हूँ अपने स्लीपिंग बैग के अंदर में, सुबह 6:30 बजे तक के लिए, क्योंकि बाहर अंधेरा भी है और ठंडी हवा सुई चुबा रही है। तो राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।